यूट्यूब चैनल एजे आर वेदा में दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं माहवारी जिन स्त्रियों की बंद हो जाती है, जो मासिक धर्म है जिन स्त्रियों का बंद हो जाता है, एमसी मान के एमसी जो होती है, जिन स्त्रियों की एमसी बंद हो जाती है उन स्त्रियों के लिए मैं आज एक काढ़ा लेकर आया हूँ। तुच्छ सा काढ़ा है, इतना मतलब सिंपल सा उपाय है, अगर आपने कर लिया इसको तो 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपकी जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और मुझे लगता है एक बार में, किन्हीं किन का एक बार में ख़त्म हो जाता है, किन्हीं किन्हीं का 2 बार में, किसी का 3 दिन में, मतलब कुल मिला के 8 दिन के अंदर अंदर आपको लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए बताते हैं आपको क्या करना। तुच्छ सा नुस्खा है, बहुत ही आसान सा। अगर कोई समस्या है किसी स्त्री को, इस टाइप की किसी लड़की को, देखो ये जिंदगी भर का मतलब बेकार हो जाता है, पूरा जिंदगी बेकार हो जाती, बच्चे नहीं होंगे तो जिंदगी तो बेकार ही हो जाएगी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि जो दूसरे लोग हैं उन तक पहुँच सके और उनके अगर समस्या है तो वो इस समस्या से निजात पा सकें। तो दोस्तों चलो बताते हैं हम क्या करना है आपको। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, काले तिल लेने, काले तिल को कूट लेना है, कूट के उनको दरदरा कर लेना है। और आपको गुड़ लेकर आनी है, गुड़ हमारे इधर मिठाई बोलते हैं, गन्ने का गुड़ जो होता है वो लेकर आओ। थोड़ा पुराना मिल जाए तो और अच्छी बात है, जैसे 1-2 साल पुराना तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लो, 1 गिलास पानी में थोड़ा 2 चम्मच लगभग काले तिल डाल दो। काले तिल डालने के बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दो, इतना सारा गुड़ डाल दो उसमें। डालने के बाद उसको उबलने दो, उबलते उबलते जब वो गर्म हो जाए, आधा गिलास पानी रह जाए, तो उसको किसी कपड़े में, सूती में या छलनी में डाल के छान लो। छानने के बाद अब इस ये जो काढ़ा बन के तैयार हुआ है ये आपको खाली पेट लेना है रोजाना सुबह सुबह, 2-3-4 दिन तक लोगे ख़त्म सही हो जाओगे। कैसे लेना है, इसको पहले ठंडा कर लो, गरम गरम नहीं पीना, इसको पहले ठंडा कर लो। ठंडा करने के बाद फिर आपको इसको पीना है। इससे पीने से आपकी जो रुकी हुई माहवारी है, जो रुका हुआ एमसी है आपका, वो आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी, फिर से स्टार्ट हो जाएगी और आप फिर से खुश हो जाओगे, आपका जीवन जो है खुश हो जाएगा। तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक ज़्यादा कर देना और लोगों तक भेज देना ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का।